आबे सैयद अली साहब, पहले तो रऊफ हसन के वाक़े के ऊपर, आपके दौर में बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए और अब उसका ही पीटीआई के बहुत सारे लोगों ने मिसिंग होके भी उसको भुगताया, और आज रऊफ हसन की तो खुलेआम पिटाई की। अब ख्वाजा सराओं के हाथों से कोई पड़ जाए, मतलब साहब मुझे नहीं समझ आई कि क्या मामला है। मैंने अभी आपकी आवाज़ सुनी और अभी मैंने वो वीडियो लिंक देखी जिसमें वो कहने हैं कि जी आपने हमें गाली दी, जब जो भी उनके वॉइस वॉइस की ज़रूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ कि आप किसी पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं उनके ऊपर या कोई ऐसी एजॉल्ट कराएं जो बदनामी का बायस बने, तो ऐसा नहीं होना। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि मामला क्या है। अगर वो भी तीन चार अफराद हैं उनके साथ, रऊफ साहब ने क्या मामला किया इस पे मैं कोई कमेंट करने के लिए मुझे नहीं पता कि क्या मामला हुआ। ऐसे ही हम किसी को इनकी आड़ में कह जी उसने मार पड़वाई उसने मार पड़वाई, तो अब उनका लेन देन का मामला है या कोई और मामला है, तो आपने तो ये कुटनी डलवाई, नहीं, मैं कभी मच्छर नहीं मारता, आपसे मुराद आप मैं हुक्मरान हैं जनाब। नहीं। और जो आपने भी अपने इंट्रो में बात की, देखें मुल्क के सिक्योरिटी अदारे हमारे हैं।